नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है प्रीति ब्यूटीफुल गार्डन में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपसे अपराजिता प्लांट शेयर करूंगी और मेरे पास जितने भी प्लांट्स हैं मैं सभी आपसे शेयर करूंगी, आपको दिखाऊंगी कि वो किस जगह पर रख रहे हैं और कैसी फ्लावरिंग मिल रही है और उनकी केयर किस तरीके से हो रही है। तो उससे पहले देखिए पिंक गुड़हल, और अगर मैं ये डबल पेटल्स अपराजिता की बात करूँ तो ये टेरेस पे रखे हैं और इसमें दिन में एक टाइम पानी मिल रहा है और इस पर अच्छी फ्लावरिंग हो रही है जितनी होनी चाहिए छोटे से प्लांटर में। लेकिन उसके दूसरी ही साइड जो कि फुल सनलाइट में ही रखा हुआ है प्लांट, लेकिन आप फूलों का साइज़ स्थाला की क्वांटिटी बहुत है लेकिन फूलों का साइज़ छोटा है, उसका रीज़न ये है कि इस प्लांट को सनलाइट तो अच्छी मिल रही है लेकिन वाटरिंग इसको एक टाइम मिल रही है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि हम फुल सनलाइट की तो बात करते हैं लेकिन हमें अपराजिता के प्लांट में सनलाइट के साथ साथ इसकी जो मिट्टी है उसमें मॉइस्चर भी मेंटेन रखना चाहिए और उसका खास ध्यान रखना चाहिए। और ये जो आप देख रहे हैं तो ये वाला जो प्लांटर है, तो ये दोनों सेम कंडीशन में पड़े हैं लेकिन ब्लू वाले के फ्लावर का साइज़ आप देख सकते हैं। तो कभी कभी प्लांट का अपना नेचर भी होता है, और ये थोड़ा सा शेड में पड़ा है तो इसका देखिए फ्लावर का साइज़ अच्छा है क्योंकि इसकी जो पॉट में जो पानी हम डालते हैं वो इतनी जल्दी सूखता नहीं है। तो पहला पॉइंट तो यही रहेगा, अगर आपको फ्लावर का साइज़ अच्छा चाहिए तो फुल सनलाइट में रखिए, साथ ही साथ इसमें मिट्टी को पूरी तरीके से सूखने मत दीजिए तो आप अच्छे फ्लावर्स और ज़्यादा क्वांटिटी में पा सकते हैं। और देखिए गुड़हल का कितना सुंदर सा फ्लावर, ये रेड कलर का है और बीच में मेहरून कलर की शेड है जो कि देखने में पिंक कलर ही दिख रहा है। अब दोस्तों मैं अब आ जाती हूँ अपने दूसरे प्लांट्स पर जो मेरी बैल्कनी में रखे हुए हैं। इस प्लांट को मैंने बिल्कुल बुश वैरायटी का बनाया हुआ है और आप इसकी लोकेशन देख सकते हैं। अभी तो उस ठंड में या ये कह सकते हैं पॉल्यूशन की वजह से इतनी अच्छी धूप भी नहीं खिल रही है, उसके बावजूद आप देखिए इस प्लांट को सनलाइट बहुत अच्छी नहीं मिलती है, लगभग 11 बजे तक की हल्की फुल्की से धूप मिलती है, उसके बावजूद भी ये कितनी अच्छी फ्लावरिंग कर रहा है। और ये 20 लीटर के कंटेनर में लगा हुआ है। तो एक पॉइंट जो निकल के ये भी आता है कि ज़रूरी नहीं है कि प्लांट्स को अगर हमने फुल सनलाइट में रख दिया तभी वो, और बैल्कनी में रखा है तो इस पर लगभग 2-3 दिन बाद वाटरिंग होती है, उसके बावजूद भी ये मेरा प्लांट हरा भरा बना रहता है क्योंकि इसको मैंने बुश वैरायटी की तरीके से मेंटेन किया है। और आप देख सकते हैं पत्तियां भी कितनी हरी भरी हैं और नवंबर मंथ में भी ये इतने अच्छे से फ्लावरिंग दे रहा है। हालांकि जो इसका बकेट है इसमें नीचे होल्स भी नहीं हो रखे, तो उसके लिए क्या करती हूँ कि मैं इसको डेली वाटरिंग ना करके जब इसकी मिट्टी हल्की सी थोड़ी सी ड्राई हो जाती तब इसमें वाटरिंग देती हूँ। उसके बावजूद भी इस पर कितना अच्छा रिज़ल्ट मुझे मिल रहा है। तो पहली चीज़ तो ये रही कि प्रूनिंग करने से हमारा प्लांट जो है वो हेल्दी होता है, और साथ ही साथ अगर हम वाटरिंग का ध्यान रखते हैं अपनी मिट्टी सॉइल का, क्योंकि अगर छत पर रखे हैं प्लांट्स तो उसकी सॉइल जो है वो जल्दी सूख जाती है। और कभी कभी प्लांट्स का ज़रूरी नहीं कि हमारे गार्डन में जिस तरीके से प्लांट्स बड़ा हो रहा है वो दूसरे के गार्डन में भी हो। और ये मेरा वो प्लांट है जो कुछ टाइम मैंने पहले आपको दिखाया था कि इस तरीके से मेरे दो प्लांट रखे हैं, और हालांकि पहले ये मेरा प्लांट हरा भरा था लेकिन अब इसकी भी कंडीशन बेकार हो रही है। तो दोस्तों अगर आपका भी प्लांट इस तरीके से हो रहा है तो अब प्रूनिंग की मैंने आपको लाइव रिज़ल्ट दिखा दिया कि प्रूनिंग के बाद देखिए इतनी बड़ी बड़ी लीव्स जो कि मैंने कभी अपराजिता प्लांट्स पर इतनी बड़ी लीव्स नहीं देखी है। और प्रूनिंग के बाद देखिए कितना मेरा जो प्लांट है वो नीचे से हरा भरा हो गया, हालांकि लग रहा था कि कहीं प्लांट्स पूरी तरीके से ख़राब ना हो जाए। तो अभी भी वक्त है कि अगर आपके पास बेलनुमा प्लांट्स है तो आप इनकी प्रूनिंग कर दीजिए, लेकिन प्रूनिंग के बाद एक अच्छी मात्रा में इसमें कंपोस्ट दीजिए और साथ ही साथ थोड़ा सा वाटरिंग का ध्यान रखिए, ओवर वाटरिंग से भी अपने प्लांट को बचाएं और पूरी तरीके से मिट्टी को ड्राई भी ना होने दें। और अब इसमें बड भी बननी तैयार हो गई है। तो मेरा एक्सपीरियंस यही कहेगा कि अगर आपके पास भी अपराजिता है तो बेलनुमा बढ़ाने से अच्छा है कि आप इसको बुश वैरायटी में तैयार करें, क्योंकि बेलनुमा आप देख सकते हैं कि पहले मेरा ये प्लांट हरा भरा था लेकिन जैसे जैसे अब इस प्लांट को धूप की कमी हो रही है तो ये नीचे से सारी इसने पत्तियां गिरा दी हैं।
अब इस पर कुछ मुझे लग रहा है बर्ड बन रही है, अगर फ्लावर आते हैं तो ठीक है, नहीं मैं इसकी भी प्रूनिंग करूँगी। तो प्रूनिंग का हमारे प्लांट पर बहुत ही अच्छा इफ़ेक्ट है जो मैं आपको दिखा चुकी हूँ। तो अभी भी समय है, अगर आपको भी अच्छे फ्लावर्स चाहिए या अगले साल के लिए अपने प्लांट को सेव करना है तो थोड़ी सी इसकी प्रूनिंग कर दीजिए, साथ ही साथ इसे एक अच्छी मात्रा में खाद दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट।